चलिए स्वामी जी, नाम नाम आप बाद में बताइएगा, ये बता दीजिए कि मंत्री राज्यसभा के लोकसभा के। देखिए वो मंत्री फिर हमको गैस करते रहने दीजिए थोड़े दिन, जो है करना एक उसमें एक मंत्री उसमें कर्नाटक से आते हैं और दूसरी मंत्री इधर उत्तर भारत है, इतना आप सुन लीजिए फिर वो लंबी कहानी है। मतलब उत्तर भारत से तो उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, दिल्ली से है, हिमाचल से है। अब फिर आप फिर ज्यादा डिटेल में चले, सिर्फ इस सवाल और फिर मैं बहस को विराम दे दूंगा। जी राज्य बता दीजिए आप सिर्फ। अब दीपक भाई आप जो है ना सारे राज आज ही खोलना चाहेंगे। अब आप आपको हम इतना प्यार करते हैं और आप जो है इतने पुराने, इतने प्रामाणिक और इतने घाघ पत्रकार हैं कि फिर आप सवालों के बौछार करते रहेंगे, फिर मुझे जो है ना करना पड़ेगा। इसलिए आप आज जो विषय है कि इस देश के 125 करोड़ लोगों को आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है सरकार, सामाजिक न्याय का प्रश्न तो बहुत आगे का है, इस देश के दूसरे जो प्रश्न है वो इतने गंभीर हैं, ये सरकार जो है ये पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है, अलोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। चलिए अशोक अजमेरा जी, देश को एक तरह से माफ कीजिएगा स्वामी जी, अशोक अजमेरा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको 10:20 पे निकलना है, मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या 2014 के चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होंगे और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नरेंद्र मोदी? मैं राहुल गांधी जी में क्योंकि अभी परिपक्वता नहीं आई है और मैंने तो उनके साथ एक घंटे तक वार्तालाप किया है, इसलिए मुझे पता है कि उस व्यक्ति के अंदर देखो 10 साल में राजनीति के इतने गंभीर प्रश्न उठे हैं, काले धन, भ्रष्टाचार, बलात्कार को लेकर के, अब बजट का प्रश्न उठा है, एक भी प्रश्न का सामना करने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है। माने जो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है, ये मेरा नहीं पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों का इंटेलेक्चुअल जो है जो क्लास है उसका मानना है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, बेईमानों के सरदार बने हुए हैं, माने दुनिया के सबसे भ्रष्ट सरकार की मुखिया, अब ऐसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए ये राहुल बनाम मोदी होगा या और किसी के बनाम होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस बार का जो चुनाव है वो कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, इन मुद्दों को जो है केंद्र में रखकर के लड़ा जाएगा। अब इन मुद्दों के ऊपर कौन प्रामाणिकता से काम करता है, इसमें कोई राजनीतिक नया विकल्प भी होगा, पुराने लोग किस तरह से मिलकर के, एक बात तो तय है कांग्रेस की अंत्येष्टि तय है 2013 में और उसमें एक नया फिर स्वरूप क्या होगा राजनीति का, इसमें अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, हो सकता है 2014 की बजाय 2013 में ही चुनाव हो जाए, क्योंकि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तीन तो बड़े स्टेट हैं, उसके अलावा छोटे छोटे और करीब 6 स्टेट्स के अंदर चुनाव होने हैं अभी विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होने वाली है और वहां पराजित होने के बाद ये लोकसभा में तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, इसलिए हो सकता है कि ये विधानसभाओं के साथ ही लोकसभा का चुनाव ना करा दे, इसलिए 2014 तो बहुत दूर है अभी, 2014 बहुत दूर है और दिल्ली भी बहुत दूर है। सीधे चलते हैं अशोक अजमेरा साहब के पास और मेरे, मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए मेरे कौन से सहयोगी अशोक अजमेरा जी से पूछेंगे कि मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डूबेगा या बचेगा? मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने, आंचल के पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनुराग मुस्कान करते हैं। अनुराग आपका सवाल अशोक अजमेरा जी के लिए। नहीं, ये आपको गलत जानकारी है दीपक कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं जरूर पूछना चाहूंगा अजमेरा जी से कि अगर आज का बजट बहुत अच्छा था, जैसे कि कांग्रेसी वित्त मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं जो कि लाजमी भी है, यूपीए का हर नेता कह रहा है कि भी बहुत अच्छा बजट